तो गाइस मैं लाइब्रेरी था, भैया का कॉल आ गया, घर आ जा। अब मैं घर आ गया तो यार यहाँ पे कोई है नहीं है, वो भाभी है वो सो रही है, और जो डिम्पल है वो अपनी पढ़ाई में लग रही है। यार घर पे मेरा टाइम ही वेस्ट होता है, इसलिए नहीं आता। चलो ट्राई टू स्टॉप। Love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. यार आज मुझे जो सरप्राइज मिला ना भाई, सीरियसली यार अनएक्सपेक्टेड था भाई, कोई सोच भी नहीं सकता। यार पापा मम्मी भैया के दिमाग में क्या चल रहा है यार, कुछ नहीं पता। मार्केट गया और यार साइकिल लिया यार, सीरियसली यार। मैं तो बस लाइब्रेरी से घर आया और यार उन्हें सरप्राइज दे दिया यार, ऐसी लाइफ हो भाई, बड़ा मजा आता भाई सीरियसली। Your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing all right. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league, and your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and think about you. Cocktail, you told me that you've been waiting for somebody like me. Showed you the city. How would you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said. हम गए थे उसका साइकिल का रिव्यू करने, लेकिन क्या हुआ यार, अंधेरा हो गया तो वो साइकिल के मतलब अच्छे नहीं आ रहे थे यार, क्लियरिटी नहीं आ रही थी। तो फिर हम घर पे वापस आ गए। ठीक है, घर पे आते हैं ना तो फिर आपको एक चीज़ दिखाऊँ। देखो देखो ये गौ माता है ना, मतलब यार पूरे दिन गेट पे, पता है इस पे मतलब कुछ नहीं लगा हुआ। देखो आप इस पे कुछ नहीं लगा हुआ गेट पे है ना, पूरे दिन यार गेट के आगे खड़ी रहती है पूरे दिन भाई। बस सुबह शाम जाती है थोड़ी देर अपने मतलब जहाँ रह जहाँ मतलब जिसकी है वहाँ जाती है थोड़ी देर, पर उसके बाद भाई ये पूरे दिन यहीं रहती है। और मैं भी पता है अगर रात के 1 बजे भी आऊँ तो मुझे यहीं मिलेगी भाई साहब। मैं अगर रात के 1 बजे आऊँ ना भाई, मैं तो भी रोटी देता हूँ भाई से। In my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you in your heart. तो फ्रेंड्स इतने दिन से मैं अकेला ही आ रहा था जनकपुरी देखने, मेला देखने। अब हम सब जा रहे हैं, पूरी फैमिली आ रही है, पापा नहीं आ रहे, पूरी फैमिली आ रहे हैं मेला देखने। हेलो कर दो, हेलो 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 हेलो, जनकपुरी का मेला देखने। इतने दिन से मैं अकेला ही आ रहा था, आज इन सबका प्लान बन गया तो हम सब साथ जा रहे हैं भाई। पापा नहीं आ रहे, पापा अंदर है। टपी बाय, टपी बाय भाई, टपी देख रहा है मुझे, नहीं ले जा रहे, सब जा रहे। भाई देखो मेले में घुसने की मतलब देर नहीं हुई और ये लोग लग पड़े, 2 मिनट नहीं हुए मेले में घुसे और लग पड़े भाई गोलगप्पों पे। इसीलिए आज लोगों के साथ आना बेकार ही है, सही बताऊं तो क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। अब यहाँ से इन्हें स्टार्टिंग कर दिया, पता नहीं कहाँ तक करेंगे। और ये मम्मी का अलग ही चल रहा है सिस्टम। अब इन्हें ले लिया आइसक्रीम, आइसक्रीम मैं तो नहीं ले रहा। अब इनकी आइसक्रीम 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 नहीं आइसक्रीम।
देखो सबसे मस्त मस्त चीज है देखो भाई सींग। भैया ने भाई साहब चालू कर दी फ्रूट चाट भाई, इसमें यार मिक्स करेंगे यार अच्छी तरह से मिक्स कर दें ये देखो देखो तीनों की तीनों भाई साथ ही चालू हो जाती है देखो तीनों, और ये मतलब हर कहीं चालू हो जाते कुछ दिखा भाई इन्हें मतलब को अपने खाने का वही चालू हो जाती है। भाई तू सब गाँव में आया है भाई, इतना गर्म और स्पाइसी यार सीरियसली कैसे खा लेते यार ये इतना पता नहीं है भाई यार टेस्ट जो था यार मजा आ गया। आज ये बहुत भीड़ है तो सीता जी की बधाई के टाइम पे खड़ा हो गया भीड़ है ना, मैं अब घर वालों को ढूंढूंगा भाई इतनी भीड़ में, देखो मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा यार दूर दूर तक पहले यार भाई देखो लोग मतलब किस किस पे खड़े होते भाई साहब भीड़ बना रहे ना देखो भाई कर रहे भाई साहब ये हो रहे भाई कर रहे जो वीडियोग्राफर होते हैं देखो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा भीड़ थी यार कितनी मतलब मुश्किल से निकले यार हम लोग मतलब हम ही बता सकते हैं भाई जितना मैंने सोचा था ना उससे मतलब दुगनी भीड़ थी, मतलब कल भीड़ थी पर उससे ज्यादा मतलब आस थी यार सीरियसली। थोड़ा सा दूर चली भाई दोनों थक गई देखो दोनों बैठ गई और इनकी वजह से हमें और बैठना पड़ा यार भाई अकेली आओ ही मेला देखने साथ में देख आ रहा है इसलिए पता है 200 मीटर में बैठ जाती भाई 100 मीटर से नहीं बैठ गए। कितने का ये कितने का है? दस का ले लो मम्मी एक ले लो 10 रुपए का, हाँ 5 के तो दे देगा। कलर कौन सा? फटे नोट मत दो ले लो, कौन सा ले लो कलर ले लो पिंक कलर का। अब रहने चल रहने कोई बात नहीं, रहने चल ठीक है ना कोई बात नहीं। बलून लिया और इसी के हाथ से फूट गया पर उसे पैसे दे दिया उसके एक बलून का नुकसान हो गया भाई। भाई देखो इतना सारा तो वहां पे खा के आए, अब यहाँ पे आके यहाँ जैन रेस्टोरेंट में आके अब यहाँ पे बैठ गए देखो, पहले तो इतना सारा वहां खा लिया जितने नहीं यार इतना कौन खाता है, कोई नहीं खाता है। शायद भूखा ही हमारा छोटू भैया है, 2 अंडे चल रहा है, देख सकते खाने में सबसे आगे रहता है सब जग गए सब, इनकी प्लेट नहीं खत्म हुई बस। और ये है ना 2 भटूरे आते हैं उसमें से है ना मतलब एक भटूरा फिर उसका आधा कर दो और उसका आधा कर दो, इतना भटूरा तो यहाँ पर खाता है इन पे। जी शाही पनीर सबसे पहले खाई जाती है वो पहले सबसे पहले शाही पनीर खत्म करती है, और चाहिए पूरी प्लेट इनका नहीं खत्म हुआ लेकिन अब मजा आ गया देखो कितने गंदे तरीके कितना गंदा फैला रखा है मतलब क्या है। हाँ भाई सबने खाना खा लिया पेट भर लिया यार पता ज़्यादा और खा लेता हूँ मैं तो सीरियसली, मुझे खाने का इतना शौक है कहीं भी आऊँ बहुत खा लेता हूँ पेट भर गया। और ये अपनी आइसक्रीम साथ में ले आई अब इस आइसक्रीम को खाती रहेगी पूरी, तो मम्मी गई पापा के लिए आइसक्रीम लेने क्योंकि तो भाई बस पापा रह गए थे पापा आते नहीं है कहीं नॉर्मली उन्हें शौक नहीं कहीं। रिया की मम्मी बोलेंगी शर्ट से बुस्काइट और जन्मदिन से बोलेंगे जन्मदिन हो रहा है जन्मदिन, अब रिया की मम्मी इस ब्लॉग को देखेंगे वो तो छोड़ेंगे नहीं ये ना बैठे मम्मी वन का ही बैठे
स्टीयरिंग पे वन का ही बैठे हैं। वन का ही बैठी मम्मी, यानी बैठा तुम स्टीयरिंग पे बैठो। और कितना खाइए रिया की मम्मी बोलती है, और कितना खाइए। अब नहीं रहती हूँ, पहले रहती थी, अब कभी कभी आती है। तो वो कचौड़ी पूरी से बोलती थी कचौड़ी पूरी। एक और आंटी है जिनकी बहुत भाई साहब करी वैरायटी है, वो लड़की से कहती है लड़की नहीं। फैक्ट्री अब भैया गाड़ी खड़ी करेंगे। टॉफी वेट कर रहा था भाई जी, वेट कर रहा था। तो ये भैया है ना, पापा मम्मी दोनों के पैरों की भाई आधा आधा घंटे मालिश करते हैं भाई शाम को, और सोने से पहले भाई डेली करते हैं, डेली 3-4 साल से डेली कर रहे हैं भाई, डेली डेली। तो आज गाइस सीरियसली यार बहुत मजा आया, और मुझे न्यू साइकिल भी मिल गई हीरो स्प्रिंट, सीरियसली यार बहुत अच्छी है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू भैया। सो गाइस अब बज चुके हैं रात के 12 और एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो इस ब्लॉग को करते हैं ये एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।